नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज का तो दोस्तों जो टॉपिक है मेरा, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत कम लोग हैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं इस टॉपिक के बारे में बात करना ही नहीं चाहते, और कुछ लोग ऐसे हैं इस टॉपिक के बारे में बात करते करते ही नहीं थकते। जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है मेरा पैसे का। पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे बचाए जा सकते हैं, कैसे हम सेविंग्स कर सकते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड कई मिथ हैं लोगों के मन में। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के मन में तो ये मिथ होता है कि वो पैसा बैंक में रखें, सेव करें ताकि फ्यूचर में काम आ सके। कुछ लोग हैं जो उस पैसे को बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो 100x या उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। कुछ लोग स्टॉक्स में डालते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, कुछ प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ करते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लोग FD में भी सेव करते हैं। मतलब अलग अलग तरह की, कई तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं लोग अपनाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जो दुनिया की 95% वेल्थ है, मतलब जो 95% धन है दुनिया का, वो दुनिया के सिर्फ 5% लोगों के पास है दोस्तों। और जो दुनिया की 5% बची हुई दौलत है, वो दुनिया के 95% लोगों के पास है दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ा गैप है, डिस्क्रिमिनेशन है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है दोस्तों। अमीरी और गरीबी ये बिल्कुल एक माइंडसेट की तरह है दोस्तों, कि लोगों का माइंडसेट है जो अमीरी और गरीबी को डिफ़ाइन करता है दोस्तों, कि उनका माइंडसेट कैसा है। जैसे कि मैं गरीब लोगों का या अमीर लोगों का मैं बताता हूँ दोस्तों, मैं गरीब लोगों हो या अमीर लोगों, उनसे हेट बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन मैं जो गरीब सोच है उससे बहुत मतलब हेट करता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं खुद भी मतलब बहुत ही मिडिल क्लास था, मेरा काम बहुत ही डाउन था, मैं एक छोटी सी जॉब करता था, जो अब भी करता हूँ वो जॉब, मुझे कम से कम 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उस बीच मैंने बहुत कुछ सीखा है पैसे के बारे में, बुक्स पढ़ के और चीज़ों से, जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा है और क्या क्या हम फ्यूचर में कर सकते हैं पैसे को लेके दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, अमीरी और गरीबी जो है वो हमारे माइंडसेट की ही एक मतलब देन है, क्योंकि अमीर लोग हैं उनके पास भी दिन में 24 घंटे होते हैं, और जो गरीब या मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके पास भी 24 घंटे होते हैं। उन दोनों में सिर्फ क्या फ़र्क होता है एक चीज़ का, वो होता है माइंडसेट दोस्तों। माइंडसेट है एक कमाल की चीज़ है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे गरीब लोग और अमीर लोग अपने अपने दिमाग को मतलब यूज़ करते हैं, या उनका माइंडसेट कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम में जैसे कोई गरीब लोग है, गरीब व्यक्ति है, वो अगर कोई भी घर है, अगर मान लो रोड पे जाता है, कोई बहुत ही बढ़िया गाड़ी देखता है, BMW, ऑडी वगैरह देखता है, या फिर कोई मतलब चलते चलते रास्ते में वो कोई घर देखता है दोस्तों, वो काफ़ी बड़ा आलिशान घर देखता है, तो उसके मन में क्या आता है दोस्तों, मैं बताता हूँ अमीर और गरीब में फ़र्क क्या है इस चीज़ का। सबसे बड़ा फ़र्क, जो गरीब है वो घर देखता तो ज़रूर है, गाड़ी देखता तो ज़रूर है, और सोचता है काश मेरे पास ये होती, लेकिन चलते चलते ये कहता है कि नहीं, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, आई कांट अफोर्ड दिस। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा बोल्ड बोल रहा हूँ कि आई कांट अफोर्ड दिस। लेकिन वही जब एक अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है, तो वो क्या सोचता है दोस्तों इस बारे में, अगर वो कोई गाड़ी या घर देखता है, कि हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, कि मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, या कैसे इसे अपने पास मतलब मैं हायर कर सकता हूँ या खरीद सकता हूँ इन चीज़ों को। ओपन और क्लोज स्टेटमेंट दोनों ही इन वाक्यों में आपको दिखाई देगी। ओपन स्टेटमेंट या क्लोज स्टेटमेंट का मैं बताता हूँ, गरीब जब ये कहता है कि आई कांट अफोर्ड दिस, तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी वो क्लोज हो जाती है, मतलब आपका माइंड शट हो जाता है, और वो कहता है कि इस चीज़ पे मिट्टी डालो भाई, हमें इसका कुछ नहीं करना, और ना हमें खरीद सकते या ऐसे कुछ करते हैं। लेकिन अमीर जैसे ही ये बात कहता है कि हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ या कैसे पा सकता हूँ, तभी हमारा दिमाग काम करने लग जाता है इन चीज़ों पे, कि कैसे हम ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने सोचा कि गाड़ी और घोड़ा, तो जैसे ही हम कहते हैं कि हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, भाई मैं कैसे इसे प्राप्त कर सकता हूँ, तभी दिमाग खुल जाता है, और बातें मतलब उसे टाइम ही दिमाग हमें आइडियाज़ देने शुरू करता है कि हाँ ये कर ले तू तो इससे पैसा आ सकता है, तो ये चीज़ तू प्राप्त कर सकता है, ऐसी बातें। लेकिन जब आप क्लोज स्टेटमेंट बोलते हैं कि आई कांट अफोर्ड दिस, तो माइंड उस स्टेटमेंट को काम करना बंद कर देता है, मतलब उसी टाइम ही उसको शट कर देता है कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। अमीरी और गरीबी का फ़र्क दोस्तों आज से नहीं, बहुत पुराना चला रहा है, लेकिन मैंने कुछ पांच एक पॉइंट हैं जो पॉइंट सेट निकाले हुए हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं अभी मैंने नोट किए हुए हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ, वन सेकेंड रुकिए दोस्तों। ये कुछ मैंने 5 पॉइंट्स हैं मैंने डायरी में नोट किए हैं, मैं आपको डायरी के माध्यम से ही बता रहा हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत कम याद रहता है, तो मैंने फिर भी आपको मतलब मैंने फिर भी डायरी में नोट किए हैं इसी चक्कर में, ताकि हम आपको बता सकें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है जो है स्पोर्ट्स दोस्तों। गरीब व्यक्ति या मिडिल क्लास व्यक्ति जितना टाइम अपना स्पोर्ट्स में वेस्ट करता है दोस्तों, स्पोर्ट्स खेलने में नहीं स्पोर्ट्स देखने में, इंडिया का किसी का भी मैच हो, कम से कम 5 5 6 6 घंटे हो जाते हैं मैचेस को, लेकिन हम उस अपना जो टाइम है, कीमती टाइम है, उस मैच पे वेस्ट कर देते हैं दोस्तों। वो मैच को देखते हैं दोस्तों, इंडिया और जिम्बाब्वे, इंडिया और कीनिया, ऐसे देशों के मैच जो इंडिया की टीम का कैप्टन भी नहीं देखता, हम देख के अपना टाइम बर्बाद करते हैं दोस्तों। कम से कम 5 5 6 6 घंटे मैच में लग जाते हैं दोस्तों, मैच को देखते देखते हमें लग जाते हैं, तो हम अपना टाइम है जो वो बहुत वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अपना टाइम बिल्कुल भी इस चीज़ पर वेस्ट ना कीजिए, स्पोर्ट्स जैसी चीज़ें या दूसरी टीवी है, टेलीविज़न है, स्पोर्ट्स है, इन चीज़ों पर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। दूसरी बात सर, ये है मेरा पहला पॉइंट दोस्तों, कि आप अपना टाइम है जो स्पोर्ट्स वगैरह या टीवी वगैरह पे बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए दोस्तों। पॉइंट नंबर टू है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है रिएक्टिव होना दोस्तों। रिएक्टिव मतलब अपनी जो गलती है या अपने जो कमी है वो दूसरों पर थोप देना दोस्तों। जैसे किसी व्यक्ति से पूछें तो वो क्या कहता है, मेरे पिताजी तो ऐसा कुछ छोड़ के नहीं गए मेरे लिए, मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं देते, मेरी बीवी मेरा साथ नहीं देती, फैमिली मेरा साथ नहीं देती, मैं कर तो लूँ ये काम लेकिन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब इन चीज़ों को टालने, अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, सबसे सेकेंड जो पॉइंट है, ये सबसे दुखदायक पॉइंट है मैं कहूँगा इसे, बहुत ही गलत जो है कि हम अपनी बातों की, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं दोस्तों, और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जो दूसरों का सहारा लेते हैं, ये हमें कभी नहीं करना है। फिर हमें जो भी हम करते हैं, जैसे दोस्तों अगर हम कोई काम करते हैं, तो उसका सारा 100% क्रेडिट हो या नुकसान हो या हानि हो, वो हमारे ऊपर ही होना चाहिए दोस्तों। हम ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और हमें ही लेनी चाहिए। अगर हम पे कोई गलती हुई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% हम लेंगे, अगर कोई ठीक काम हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लेंगे। जब आप लोग ये काम करना शुरू कर देंगे, तभी से ही आपका माइंडसेट अमीरों वाला हो जाएगा, जिसे आप आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा पॉइंट नंबर टू, रिएक्टिव होना दोस्तों, कभी भी रिएक्टिव ना हो, ये है। अब है दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर थ्री जो है, वो है मैं आपको बताता हूँ इसमें से, जेलिस फील करना दोस्तों, एक दूसरे से जेलिस फील करना। जैसे मान लो आजकल मतलब कोई भी जो गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति है, वो अमीर लोगों से जलन महसूस करता है दोस्तों। जैसे मान लो वो बनना तो अमीर, खुद भी अमीर चाहता है, किसी से भी पूछ लीजिए आप कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, वो बिल्कुल कहेगा हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूँ। यहाँ तक कि मुझे भी कहिए तो मैं भी कहूँगा हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूँ। आप लोगों से पूछिए, आप खुद से पूछिए, आप क्या अमीर नहीं बनना चाहते हैं? आप क्या दूसरे विदेशों की यात्रा नहीं करना चाहते, अच्छी अच्छी गाड़ियों में नहीं घूमना चाहते, अच्छे अच्छे घरों में नहीं रहना चाहते दोस्तों? हर कोई रहना चाहता है। अमीर से अमीर व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, और गरीब से गरीब व्यक्ति को दोस्तों पैसे की ज़रूरत है। हर किसी से आप पूछ सकते हैं कि किसी से भी, इसका एक सबसे बड़ा मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। आप किसी भी व्यक्ति से ये पूछिए कि उनकी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन पूरे वर्ल्ड में कहाँ घूमना जाना चाहता है, तो सब अपना अपना नाम लेंगे। कोई कहेगा अमेरिका जाना चाहता है, कोई लंदन जाना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है दोस्तों, अमेरिका, लंदन, दुबई, एम्स्टरडेम, जहाँ भी मर्जी जाना चाहता है दोस्तों, वो बिल्कुल बताएगा आपको कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। लेकिन आप सेकंड क्वेश्चन उससे ये पूछिए कि वो उस चीज़ को मतलब जो ये है अपना सपना है जो उनको, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या एफर्ट लगाता है, तो वो बिल्कुल भी मना कर देगा आपको कि हाँ उसके लिए वो कोई एफर्ट नहीं लगता, क्योंकि वो कोई टू डू लिस्ट या मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे जो उनके गोल्स हैं उन्हें नोट करके नहीं रखता दोस्तों। अब जेलेस की मैं जो है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जेलेस जेलेस का ये है कि जैसे ही मतलब मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अपने ऊपर लेता हूँ उसको, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं अमीर लोगों से नफरत करता हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही गलत बात है। अमीर लोगों से कभी भी नफरत नहीं करें, बल्कि कोशिश हो सके तो उन लोगों का साथ लीजिए, अपने मतलब जो ग्रुप है आपका दोस्तों से मिलने वाला जो भी है, उसे जितना जल्द जितना हो सके उसे छोटा कीजिए, और जितने ही प्रोडक्टिव लोग उसमें हो सके, जितने ही अमीर लोग उसमें हो सकें, जिसमें ही बड़ी सोच वाले लोग उसमें हो सकें, तो उनसे अपना ग्रुप नहीं। मेरे मतलब काफ़ी सारे दोस्त थे, आज से कम से 5 6 साल पहले काफ़ी सारे दोस्त थे जो जिनका मतलब ग्रुप था, जो बहुत ही मतलब मेरा बेकार ग्रुप था, सब मतलब फिरते रहते थे, घूमते रहते थे, कहीं इधर चले गए कहीं उधर चले गए, फ्यूचर का कोई भी वो नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं फ्यूचर में। तो मैंने धीरे धीरे जैसे बुक्स रीड करनी शुरू की,
मैंने बहुत सारी अनुमानित इन पिछले 2 सालों में कम से कम 60 से ऊपर बुक्स हैं जो रीड की हुई हैं, तो उनसे मुझे पता चला कि मतलब कम से कम इस ग्रुप को हमारे को छोटा करें और बड़े से बड़े लोग जिसके साथ हम बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ बैठें, उनसे जले मत, उनसे प्यार से बात करें और हो सके उनसे पूछें अपना, उनको कोशिश करें कि बताने के लिए कि सर आप कैसे करते हैं ये सब काम। अगर कोई बिजनेसमैन है, आपका कोई दोस्त है जो बिजनेस में है, तो आप उसे बिजनेसमैन से बात कर सकते हैं कि सर हाँ आप ऐसा क्या करते हैं कि आप इतना कुछ अचीव कर सकते हैं और हम क्यों नहीं कर सकते, तो वो आपको बिल्कुल बड़े ही प्यारे तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा दोस्तों। तो कभी भी इन चीज़ों से मतलब किसी बड़े लोग हैं उनसे जेलिस करने की कोशिश मत करें, ये है मेरा पॉइंट नंबर 3 दोस्तों। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है जो बहुत ही मतलब हर आम व्यक्ति में, मिडिल क्लास लोगों में, मिडिल क्लास के बच्चों में, मिडिल क्लास लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो है दोस्तों शो ऑफ करना। दोस्तों आप शो ऑफ के लिए, जैसे ही मैंने शो ऑफ कहा होगा आप जरूर मुस्कुराए होंगे कि हाँ शो ऑफ तो हम करते ही हैं, क्योंकि मैं भी शो ऑफ करता था आज से कुछ सालों पहले, मैं भी शो ऑफ करता था, अब भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ मतलब कि सबसे कम हो सके, लेकिन मैं अब भी शो ऑफ करता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, आईफोन का नया मॉडल आते ही सबसे पहले आईफोन खरीदेंगे, जबकि ये नहीं देखेंगे कि उनकी सैलरीज कितनी है। आप देख लीजिए कम से 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने वाला आम व्यक्ति भी आईफोन लेके चलता है दोस्तों, जो 1.5 लाख रुपए तक का आईफोन आता है उसे लेकर चलता है दोस्तों। उनकी माइंडसेट ऐसा है कि हाँ, अब उनसे पूछेंगे कि 20, मुझे ये खुद ही नहीं समझ में आता, मतलब पहले मुझे खुद ही, मैं परचेज़ करता था ऐसी चीज़ें, लेकिन अब मुझे खुद ही नहीं समझ में आता कि क्यों लोग ऐसा करते हैं। एक्चुअली मैं खुद भी एक आईफोन यूज़र हूँ दोस्तों, आईफोन यूज़ करता हूँ, लेकिन दोस्तों ये आईफोन जो है मैंने खुद बिजनेसेस से, जो मेरे बिजनेसेस हैं उनसे ही मैंने ये प्राप्त किया है, उन्हीं के पैसों से। आईफोन मैं भी यूज़ करता हूँ जबकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है आईफोन, मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ, लेकिन फिर भी मैं आईफोन यूज़ करता हूँ, मुझे थोड़े दिन के लिए यूज़ करना था कि कैसा है ये प्रोडक्ट। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों कि 20-25 हज़ार रुपये सैलरीज लेते हैं मंथली, और उसमें ही आईफोन यूज़ करते हैं, 1.5 लाख रुपए के आईफोन यूज़ करते हैं, किस्तों पे ले लेंगे, ब्याज पे ले लेंगे, लेकिन उस पैसे को ऐसी जगह सेव नहीं करेंगे ताकि उसके फ्यूचर में आपके काम आ सके दोस्तों। ये जो है चौथा, जो महंगे महंगे मतलब शोफ है जो मैं बताता हूँ, महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे, महंगे महंगे दूसरों को देखकर मतलब दूसरों को जलाने की कोशिश, महंगी गाड़ी ले लेंगे, अगर गलती से भी किसी की सैलरी 25 से 50 हज़ार के बीच हो जाती है तो वो जल्द से जल्द कोशिश करता है कि एक नई गाड़ी लेके अपने घर के आगे खड़ी रखे ताकि पड़ोसी देखें और उसे पड़ोसी देखकर कहें हाँ भाई गाड़ी, हम पड़ोसियों को दिखाने के लिए गाड़ी परचेज करते हैं, और उस चक्कर में हम अपने आप को कर्ज में डाल लेते हैं सिर्फ एक शो ऑफ के चक्कर में कि पड़ोसी देखेंगे। अब आप देखिए हम क्या करते हैं, नई गाड़ी या नया आईफोन ले लिया तो उसे क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अदर कहीं जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पे हम स्टेटस लगा देंगे, किस लिए कि हमें कुछ लाइक मिले, लोग कंग्रेचुलेशन करें और लोगों को पता चले कि हाँ हम भी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कितने दिन तक आप, कितने दिन तक उसको वो जो गाड़ी आपने परचेज किया कितने दिन तक खुश रह पाएंगे दोस्तों। आप देखिए जैसे ही मान लो फर्स्ट मंथ आपने जो भी गाड़ी खरीदी है, 1 या 2 महीने आप खुश रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, आप लाइक या शेयर से लोगों के खुश होंगे, हाँ उनको कंग्रेचुलेशन से, हाँ इसने गाड़ी ले ली ये है। लेकिन दोस्तों जो लाइक या कमेंट करने वाले हैं आपको कंग्रेचुलेशन, वो सिर्फ 1 या 1.5 महीने तक इस पोस्ट को लाइक या कमेंट करेंगे, लेकिन आपको उसकी जो इंस्टॉलमेंट है, पर मंथ की इंस्टॉलमेंट है, वो आपको 6 साल 5 साल 4 साल यानी कि 7 साल तक भी भरनी पड़ सकती है दोस्तों। तब आप क्या करेंगे, तब वो लाइक और कमेंट से आपका काम नहीं चलने वाला ना दोस्तों। तो आपको जो किस्तें हैं वो तो अपनी जेब से भरनी पड़ेंगी ना, तब लोग नहीं भरेंगे जो जिन्हें आप दिखाने के लिए वो गाड़ी परचेज़ की, आईफोन परचेज़ किया या जूते या शूज़ परचेज किए, उनका पैसा लोग नहीं देने वाले दोस्तों, वो आपको ही बेयर करना पड़ेगा, आपको ही मतलब सभी पैसा या इंस्टॉलमेंट्स है वो देने ही देने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये है जो चौथा सबसे मेन पॉइंट है और सबके माइंडसेट में दिमाग में यही है जो चौथा है, ये है शो ऑफ दोस्तों। अब है 5वां पॉइंट दोस्तों, जो मेरा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है दोस्तों, स्टॉप लर्निंग। स्टॉप लर्निंग का मतलब ये नहीं कि आप अपना पढ़ाई छोड़ दे दोस्तों। हम क्या करते हैं, आज जो भी मतलब हमने 10वीं की, 10वीं या 12वीं की, उसके बाद कोई डिप्लोमा किया, डिग्री की, हमने कॉलेज से डिग्री ले ली और उसके बाद हम डिग्री उठा के हम बन जाते हैं कि हाँ हम तो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है, अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ है। लेकिन दोस्तों बात कि जो चीज़ हमें स्कूल नहीं सिखाता वो हमें ज़िंदगी सिखाती है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आपने अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखा होगा, जिसमें जेठालाल अय्यर वगैरह हैं, तो आपने देखा हो अगर, लेकिन नहीं देखा तो बबीता जी को आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे। ये बॉय दोस्तों बबीता जी हर किसी के ध्यान में रहती है, जेठालाल और बबीता जी दोस्तों। उस शो का एक मस्ट वॉच कैरेक्टर है जेठालाल दोस्तों, और दूसरा एक कैरेक्टर है भिड़े दोस्तों। भिड़े क्या है दोस्तों, एक स्कूल टीचर है दोस्तों, एक टीचर है जो ट्यूशंस पढ़ाता है दोस्तों, ट्यूशन पढ़ाता है। लेकिन दोस्तों उस शो में सबसे अमीर कौन है दोस्तों,
आप खुद बताइए, जेठालाल दोस्तों। लेकिन जेठालाल पढ़ा लिखा नहीं है ना, पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो सबसे अमीर है, हर जगह वो आगे रहता है, मतलब पैसों के मामले में हर जगह वो पूरी सोसाइटी में सबसे आगे रहता है दोस्तों। किस कारण दोस्तों? क्योंकि जेठालाल ने पढ़ाई से वो नहीं सीखा है जिसे जो जिंदगी ने उसे सिखाया है बिजनेस के थ्रू। दोस्तों ऐसा नहीं है कि नौकरी, मैं बुरा नहीं कह रहा कि नौकरी बुरी है, बिजनेस अच्छा है। बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगता है दोस्तों। बिजनेस बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है दोस्तों। लेकिन जो नौकरी है, नौकरी आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप कभी भी, जैसे मान लो हम पढ़ के निकले भी, हमें सब कुछ आता है, हमें कोई भी कुछ मतलब कह दे कि, और कहते हैं हाँ, मुझे तो सब कुछ आता है, हर तरह मुझे ये है, मैं तो डिग्री कर रखी है, ये है वो है। लेकिन दोस्तों मैं अब भी कहता हूँ कि ज़िंदगी हमें जो सिखाती है वो हमें स्कूल नहीं सिखा सकता दोस्तों। इसीलिए कभी भी पढ़ना बंद मत करें। जैसे ही आपने डिग्री डिप्लोमा किया है, उसके बाद से आप बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ें दोस्तों, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड दोस्तों बुक्स पढ़ें, और अपने माइंडसेट को ग्रो करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बुक्स पढ़ें दोस्तों। मैं भी मतलब कंटिन्यू बुक्स पढ़ता रहता हूँ। मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है मनी ब्रो के नाम से, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। और मैं उस पर जितनी भी बुक्स पढ़ता हूँ तो उसे उसमें डाल देता हूँ, मतलब जिस दिन मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, एंड करता हूँ, और उसमें वो पेजेस जो मैंने मार्क किए हुए हैं वो मैं उसमें डाल देता हूँ। आप जाके फॉलो कर सकते हैं उस हैंडल को और देख सकते हैं मैं कौन कौन सी बुक पढ़ता हूँ और मेरे पास कौन कौन सी बुक्स हैं। मैं उन बुक्स को पढ़ के बहुत मतलब इंस्पायर हुआ हूँ दोस्तों। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एक और, आपने बिल गेट्स का सबने सुना हुआ होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं। मतलब अब वो माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने बनाया था, अब वो ओनर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के, वो एक पब्लिक कंपनी है। लेकिन वो अब भी वो बुक पढ़ते हैं दोस्तों, हमेशा बुक पढ़ते हैं वो। बल्कि साल में 15 से 20 दिन के लिए अपने पूरे शेड्यूल से गायब हो जाते हैं और एक जंगल में जाके वहाँ पर एक उन्होंने घर बनाया हुआ है लकड़ी का, वो क्या करते हैं उस वहाँ चले जाते हैं, अपनी जो बुक्स हैं, मेन बुक्स हैं उनको 10 या 15 बुक्स ले जाके वो वहाँ पे पढ़ते हैं आराम से, वहीं खुद खाना बनाते हैं, खुद खाते हैं। वहाँ उनके पास कोई नहीं होता, ना उनके पास कोई नेटवर्क होता, लेकिन उनकी वाइफ को पता होता है कि वो कहाँ हैं, तो वहाँ जाके शांति से पढ़ते हैं। उनकी एक वेबसाइट भी है गेट्स नोट के नाम से, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं उनके बारे में, जो जो उन्होंने सीखा है, जो जो वो दुनिया को सिखाना चाहते हैं, जो भी वो बुक्स पढ़ते हैं उसे भी वो उसमें डालते हैं। गेट्स नोट उनकी वेबसाइट है, उसमें वो डालते हैं कि मैंने ये बुक पढ़ी। तो अब भी वो कितनी उम्र के हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं समझ लीजिए, लेकिन फिर भी वो नॉलेज गेन करते हैं, पढ़ना नहीं छोड़ते, जबकि वो दुनिया के तीसरे या चौथे सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन हम 10वीं या 12वीं करने के बाद, डिग्री लेने के बाद ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है। जिसका अमीर माइंडसेट होता है दोस्तों वो पढ़ाई का मतलब सीखने का भूखा होता है, लेकिन गरीब माइंडसेट क्या कहता है? गरीब माइंडसेट ये कहता है कि हमें सब पता है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी लर्निंग बंद मत करें दोस्तों। अगर हो सके तो महीने में एक बुक पढ़े। मैं जानता हूँ कि बुक पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग होता है दोस्तों, लेकिन आप धीरे धीरे ट्राई करें, एक या दो पेजेस से शुरू करें दोस्तों। अगर बोर हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, उसे छोड़ दीजिए, अगले दिन फिर 2 पेजेस पढ़े, 2 पेज, लेकिन धीरे धीरे उसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि आप बुक्स पढ़ें दोस्तों। बुक्स पढ़ें, फाइनेंस की बुक्स पढ़ें, बिजनेस के बारे में पढ़ें दोस्तों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको बेशक मतलब ये ज़रूर करना चाहिए कि आपको बुक पढ़नी चाहिए। ये मेरा 5वां पॉइंट था कि आप कभी भी अपनी लर्निंग को बंद मत करें दोस्तों। लर्निंग को कभी भी बंद मत करें, आप चाहे कैसी भी बुक्स पढ़ें, किसी भी चीज़ से पढ़ें, लेकिन बुक्स ज़रूर पढ़ें दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो दोस्तों, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता था कि पैसे के बारे में लोग कैसे और क्या सोचते हैं, गरीब और अमीर का जो माइंडसेट होता है दोस्तों वो कैसे सोचते हैं दोस्तों। आगे कई ऐसी वीडियोस मैं डालने वाला हूँ पैसों से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड, बिजनेसेस से रिलेटेड। मैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मनी माइंडसेट के नाम से दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप उस वहाँ जाके मेरी ये मनी माइंडसेट से रिलेटेड वीडियोस हैं वो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो हो सके जितना अपने सभी दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, शायद उनका माइंडसेट है वो बदल जाए, मतलब वो सोचने लग जाए कि हाँ हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, किस चीज़ को लेके क्या करना चाहिए दोस्तों। इससे अगली जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, उसमें आपको कर्जे और बिजनेसेस के बारे में, मतलब एक तो लोन के बारे में, एक बिजनेसेस के बारे में, और एक पैसों मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं दोस्तों। तो जल्द ही वो वीडियो आएगी, उससे पहले ये वीडियो आप इसको भरपूर प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मैं आप सभी के लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।